हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही हमेशा अच्छे रहें, हंसते खेलते रहें और हम पे अपने प्यार बनाए रखें। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं द रियल टेस्ट और आपका स्वागत है आज की इस फ्रेश न्यू एपिसोड में। तो दोस्तों, और हम आपके लाज लेके आए हैं कमाल की आइसक्रीम। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना कि इसका टेस्ट कैसा है और इसके कैसी कौन सी कंपनी की तरफ से है, पूरा देखना, लास्ट तक देखना, ताकि आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो दोस्तों, ये आइसक्रीम है हैवमर की तरफ से और इस पे लिखा हुआ है, ये इसका नाम है चोको पॉप्स कोन आइसक्रीम एवरी शेड ऑफ यम। तो देख सकते हैं, दिखाता हूँ अब क्या क्या मिलता है। दोस्तों देख सकते हैं, काफ़ी अलग सी पैकिंग है, रंगीन सी पैकिंग है। जहाँ तक मुझे लगता है इसके अंदर जेम्स वगैरह कुछ होने वाली है, जेम्स के मिक्सचर से कुछ बना हो सकता है। ये देख सकते हैं कि ऊपर से भी ऐसी रंगीन सी बनाई हुई है, काफ़ी अलग सी आइसक्रीम है। तो दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे देखें मेड ऑफ मिल्क लिखा है, मतलब दूध से बनी है। यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन का लोगो दिया हुआ है हमें। और इधर की साइड देखेंगे तो ऊपर की साइड दिखाता हूँ, पहले आपको प्राइस वगैरह बता देता हूँ उसका। मैं ऊपर की साइड देखोगे तो प्राइस लिखा हुआ है जो है 20 रुपये, और नीचे इसकी का बैच नंबर वगैरह दिया हुआ है, तो वो आप पढ़ सकते हैं आराम से। दोस्तों आप इधर देखेंगे चोको पॉप्स आइसक्रीम, इसके इंग्रीडियंट्स वगैरह मिल जाते हैं। इसमें 70% आइसक्रीम है, वाटर है, मिल्क सॉलिड है। पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं आप इसको आराम से। इधर है मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमें, ठीक है भाई। और बस इतना ही कुछ मिलता है, 20 रुपये की आइसक्रीम है। तो देखते हैं क्या कुछ टेस्ट है, क्या अपने पैसे को जस्टिफाई करती है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। मैं इसे ओपन करने जा रहा हूँ, ये मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। ये सील्ड पैक है, अच्छे से बिल्कुल सील्ड पैक है। तो दोस्तों देख सकते हैं, जैसा कि इसकी पैकेजिंग थी बड़ी रंगीन सी, वैसी रंगीन सी निकली अंदर से। ये मैंने इसे थोड़ा क्रंच इस पर रह गया, थोड़ा मेल्ट होने की वजह से, हमारी गलती की वजह से। अभी थोड़ा टाइम लग गया हमें शूट करते करते से, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे। इसमें एक अलग सी स्मेल है, ठीक है दोस्तों, जो इसे खोलते पूरे कमरे में फैल चुकी है। तो बस ये आ गया आइसक्रीम हमारे हाथ में, और ये थोड़ा क्रंच रह गया इधर, और ये पूरा मैं रख देता हूँ साइड में। तो दोस्तों आइसक्रीम काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इसे प्लेट में रख लेता हूँ और आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसी आइसक्रीम है ये। तो दोस्तों काफ़ी रंगीन सी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं काफ़ी रंगीन सी आइसक्रीम है। यहाँ पे थोड़ा क्रंच रह गया है, मैं इसे चाकू से निकाल लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ है ये। ये शायद जेम्स तो नहीं है, चॉकलेट है, क्रंची है, लास्ट में थोड़ा कड़वा कड़वा टेस्ट है दोस्तों उसका, न जाने क्यों थोड़ी दवाई जैसी लग रही है। तो टेस्ट करते हैं इसे। दोस्तों मुझे अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी है। इसका पहला जो पहली बाइट थी वो उसने काफ़ी आत्म दहला दी मेरी, दवाई जैसा टेस्ट है इसका बिल्कुल आइसक्रीम खिलाने के लायक नहीं है। ये चॉकलेट है साथ में इसके, देखो मैंने थोड़ी सी और खाई है। दोस्तों खाने के बाद ना इसकी शक्ल अच्छी है, खाली टेस्ट में बेकार है बिल्कुल, मुझे तो अच्छी नहीं लगी। अगर आपने पहले खाई है तो कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी थी, और अच्छी लगी तो भी बताना भाई, और बुरी लगी तो भी बताना कि कमेंट में कि आपको कैसी लगी थी। तो भाई अब देखते हैं इसके नीचे के पोर्शन में क्या मिलता है हमें। मेरा इसको और खाने का मन नहीं करा बिल्कुल भी। मैं चेक कर रहा हूँ कि बस नीचे के पोर्शन में चॉकलेट है कि नहीं। दोस्तों नीचे के पोर्शन में चॉकलेट नहीं है, सिर्फ क्रीमी क्रीम है। वैसे 20 रुपये की यार क्या और क्या लोगे आप 20 रुपये में। भाई अगर आपको अच्छी लगती है ना तो आप खा लो इसे, मैं नहीं खा रहा आप, ठीक है ना। मुझे अच्छी नहीं लग रही है बिल्कुल भी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे और खाने का मन नहीं कर रहा है, और मैं आपको कुछ बताने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगी। तो यार अगर आपने नहीं खाई तो आपको शायद अच्छी ना लगे, तो इसको खरीदना मत बिल्कुल भी। ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं था, मैंने अपने पैसों से खरीदी है आपको बताने की कैसी लगती है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि आपको कैसी लगती है, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो ताकि उनको भी पता लगे कि इसे नहीं खाना है आगे से, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करना, मैं ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं,
और आपको जागरूक करते रहेंगे कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगेगी और क्या चीज़ सही नहीं लगेगी थोड़ी सी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद वंदे मातरम, आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप ऐसी हमारी वीडियोस को देखते रहें और प्यार और सपोर्ट दिखाते रहें अपना। दोस्तों अगले वीडियो का आने का इंतजार करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर रोज़ लेके आते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद वंदे मातरम।